मध्य प्रदेश का भविष्य आज तय हो जाएगा। कुछ देर में वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है, चंद मिनटों के बाद। और हमारे साथ वीआईपी उम्मीदवार, यहाँ के तीसरे बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, कमलनाथ सरकार में पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह साहब, जो कि सुबह सुबह राघोगढ़ में अपने किले में राघो जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनसे मैं बात करता हूँ। सर, अभी मैं देखा आप दर्शन कर रहे थे राघो जी के, भगवान राम का बाल रूप जी, उम्मीद है कि इस बार आशीर्वाद मिलेगा। वो तो सदैव राघो जी का आशीर्वाद, उनकी असीम कृपा सिर्फ मेरे पे नहीं, बल्कि जो संपूर्ण राघोगढ़ है, हर एक नागरिक पर राघो जी की विशेष और असीम कृपा है। लगभग यहाँ पर राघो जी का मंदिर 350 साल पहले स्थापित हुआ था और सभी की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। हमारे कुल देवता भी हैं और स्वाभाविक है कि राघो जी की पूजा करने से, आराधना करने से हमको एक अद्भुत, एक नई ऊर्जा शक्ति मिलती है। अच्छा, अभी आप यहाँ दर्शन करने आए राघो जी का, मैं आपको रेफर कर देता हूँ। अभी अभी मैंने देखा कैलाश विजयवर्गीय कह रहे, आप लोगों की पार्टी को, कांग्रेस को हिंदू विरोधी कह रहे थे। आखिर कैलाश विजयवर्गीय जी कौन है जो तय करते हैं कि हिंदू विरोधी कौन है कौन नहीं है? सिर्फ क्योंकि भाजपा की हमेशा ये सोच रही है कि वो तय करें कौन हिंदू है कौन नहीं है, लेकिन हमने हमेशा माना है कि जो हमारे हिंदू धर्म का इतिहास है सदियों पुराना है, जबकि भाजपा तो स्वयं ही 40 साल पुरानी पार्टी है। तो आखिर, और हमारा परिवार तो यहाँ पे 350 साल से है, तब से यहाँ पे हमने धर्म का पालन किया है, और उससे पहले भी हम तो गुगेर और गागरों से आए थे, जो और भी पुराना है। तो ऐसे में सिर्फ मेरी बात नहीं है, पूरे हमारे एक एक हिंदू जो अपने धर्म को निभाते भी हैं, धर्म को मानते भी हैं, वो एक निजी विषय है। लेकिन हर बार भाजपा को ये उनमें जो घमंड और अहंकार हो गया भाजपा के लोगों में कि वही तय करें कौन हिंदू है कौन नहीं है, उनके पास कौन सी सी गादी आ गई कि वो ये तय करने लगे हैं आजकल? तो आज जनता भी वैसे समझदार हो गई है। आपको क्या लगता है कितनी सीटें इस बार जनता देने वाली है आपको? हमें तो पूरा विश्वास है कि इस बार कांग्रेस की जो सीटें हैं वो लगभग 140 पार होंगी। सुषमा जी, आपकी, आपको क्या लगता है, आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगता है, आपने भी प्रचार किया होगा, महिलाओं से मिली होंगी, तो ये लाडली बहना योजना वगैरह, आपका क्या असेसमेंट है, आपको लगता है कि इस बार? एकदम 100%, इतना मेहनत किया है सबने, ये तो करते ही हैं हमेशा, और 100% सरकार आएगी। तो आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे हो सकते हैं जो महिलाओं को इस बार अफेक्ट कर रहे होंगे? मतलब सब कुछ, जैसे जो हम सुनने में आता है कि कांग्रेस सरकार जो कहती है वो करती है, जैसे मेरे फादर इन लॉ भी, वो भी हमेशा से उनको रहा था, जब भी मुख्यमंत्री निवास था, मुझे जानकारी मिली, कभी भी किसी के लिए वो निवास बंद नहीं रहता था, जैसे किले पे है कि आप देखोगे गेट कभी भी बंद नहीं होता, तो बहुत ही वो पुश्तैनी रीति रिवाज है। तो वही, जैसे ये भी मैं इनको देखती हूँ कि जो भी आए मिले, सबसे मुलाकात होती है सबकी, कि जो भी जिसको जो बोलना है सब की बात सुनी जाती है, और प्रयास तो होता है। आपको लगता है सरकार बनेगी इस बार? जी जी, एकदम एकदम। तुमसे कुछ पूछना नहीं है मुझे, बस हाई फाइव दे दो, शक्ल तो दिखा दो, हाई फाइव तो दे दो एक। अरे हाई फाइव। तो सर, कौन कौन से मुद्दे आपको लगता है, एक बार आपका मैं ये राघोगढ़ का राघो मंदिर दिखा देता हूँ, दिखा दीजिए एक बार निखिल जी, कि ये काफी साल पुराना मंदिर है, और ठीक राघो जी के सामने यहाँ हनुमान जी, उनके भक्त यहाँ पर सामने, इनका भी दर्शन किया। मैं आपसे पूछा था सर, कौन कौन से मुद्दे आपको लगता है इस बार प्रभावी होंगे? आज मध्य प्रदेश में भाजपा के राज में हर वर्ग परेशान है, पीड़ित है, किसान को अपनी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है, लगातार महंगाई दोगुनी हो रही है, लेकिन किसान की आय वहीं आधी हो रही है। उसी प्रकार से अगर हम युवाओं की बात करें, तो मेरे हिसाब से इस चुनाव में जो बड़ा परिवर्तन आ रहा है, और जो सीट हम देख रहे हैं कि इस बार जो सर्वे में भी जो दिखाया गया है, जिसमें कांग्रेस आगे चल रही है, सबसे बड़ा फैक्टर युवाओं का है, क्योंकि आज का नौजवान चाहता है कि उनको अच्छी शिक्षा मिले, रोजगार के नए अवसर मिले। पहले भाजपा सरकार ने हमारे प्रदेश के युवाओं को व्यापक घोटाला दिया,
और जब ये वापस आए अभी 2020 में, जब इनकी सरकार वापस बनी, तो युवाओं को लगा कि जो उन्होंने पहले पाप किए थे भाजपा ने, वो वापस नहीं करेंगे। लेकिन पुनः इस बार हमने देखा पटवारी भर्ती परीक्षा की में जो घोटाला हुआ है, उसमें लाखों युवा जिनको उम्मीद थी कि जो शिक्षित युवा है जिसने सही पेपर दिया है उसी का चयन पटवारी में होगा, पटवारी भर्ती में होगा। लेकिन हुआ क्या कि जिन लोगों ने 15-15 लाख रुपए की रिश्वत दी उनका नाम टॉप 10 में आ गया था, और परिणाम ये हुआ है कि आज दिन तक एक भी व्यक्ति का चयन नहीं हो पाया है, पूरी परीक्षा होल्ड पर है। इस प्रकार के अनेकों ऐसे स्कैंडल हुए हैं भाजपा के राज में जिससे कि युवाओं का मनोबल टूटा है। अभी अगर हम बात करें शिक्षा के बारे में भी, तो नर्सिंग घोटाला जो सामने आया है, आप कल्पना कीजिए कि मध्य प्रदेश में 2020 से लेकर 2023 तक जो नर्सिंग छात्र जिन्होंने एडमिशन ली है वो आज भी फर्स्ट ईयर में है। तो जिस युवा ने, युवती ने नर्सिंग में एडमिशन लिया था 2020 में इस उम्मीद के साथ कि वो 2023 में ग्रेजुएट कर लेंगे, वो आज भी वो वहीं फंसे पड़े हैं, क्योंकि इन लोगों ने फेक कॉलेजेस खोल दिए हैं अनेकों जगह, जहाँ पे जो मापदंड होने चाहिए नर्सिंग कॉलेज के वो है नहीं। हज़ारों लाखों नर्सिंग छात्र आंदोलित भी हैं लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है, और इसीलिए हमें विश्वास है कि इस बार जो प्रदेश का युवा है वो बड़ा परिवर्तन लाएगा और कमलनाथ जी को, कांग्रेस को एक बार 5 साल का मौका देगा। आपको लगता है पूर्ण बहुमत आएगा? निश्चित तौर पे इस बार एक हवा है, एक अलग ही एक लहर है जिससे कि पूरे प्रदेश के हर संभाग में मुझे जो दिख रहा है हमको हर संभाग से इस बार बढ़त मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, शुभकामनाएं आपको। मेरे ख्याल है अब आप लोग वोट भी डालने जाना चाहेंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जयवर्धन सिंह साहब। और उनका कहना है कि पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, तमाम मुद्दे वो कहते हैं जो इस बार इंपैक्ट कर रहे हैं जनता को, उसको ख्याल में रखते हुए लोग वोट डालेंगे और कांग्रेस को इस बार सरकार बनाने का मौका देंगे। कैमरामैन निखिल के साथ आशीष कुमार सिंह, राघोगढ़।